ओम नमः शिवाय, घर घर महादेव। आज मैं मेडिटेशन की बात करूंगी। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी आपसे नहीं होती तो आप क्या करते हैं, आप किसी म्यूजिक का सहारा लेते हैं या फिर आपको कोई वीडियो किसी ने दे रखी होती है, आप उसको सुनते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की आवाज़ होती है, वो कोई म्यूजिक होता है जो आपको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करता है और फिर वापस आप उस वाइब्रेशन में, मेडिटेशन में चले जाते हैं और आपका रूटीन रहता है, आपको अच्छा लगता है, आप डेली ये चीज़ करने लग जाते हैं और जितनी देर आप उसको चलाए रखते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, रेगुलर उसी प्रैक्टिस में रहते हैं। लेकिन मैं कहूँगी वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशन कोई सपोर्ट लेके उस एनर्जीज, उस वाइब्रेशंस तक पहुंच रही है, क्योंकि आपकी एनर्जीज किसी सपोर्ट के थ्रू उस वाइब्रेशंस को कैच कर रही है। जब भी आप उस सपोर्ट को लेंगे, उस सपोर्ट सिस्टम को लेंगे, आपकी एनर्जीज उस वाइब्रेशंस पे पहुंचेंगी, हाई लेवल पे पहुंचेंगी और आप उस फीलिंग को अचीव करेंगे। तो आप हमेशा उस पे डिपेंड रह गए ना, किसी बाहरी सोर्स के द्वारा, किसी और एनर्जी के द्वारा आप गाइडेड हो रहे हैं और उसी के द्वारा आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। लेकिन हम मेडिटेशन में क्या कहते हैं, अपनी एनर्जीज को बढ़ाओ, अपने आप के द्वारा गाइडेड हो और खुद को समझो। जब हम गाइडेड मेडिटेशन भी करते हैं तो हम उन्हीं से ही गाइडेड होते हैं। ये कभी कभार ठीक है, आपका एनर्जी लेवल कम है तब भी ठीक है, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आपको अपने एनर्जी लेवल को ही बढ़ाना है। आपके अंदर इतनी एनर्जीज हैं कि आप उस लेवल पे जा सकते हैं। जब तक आपकी एनर्जीज उस चीज़ को कैच नहीं करती आप करिए, लेकिन खुद की एनर्जी लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो कि मैंने अपनी वीडियो में बोला था, आप जोर से बोल के जाप करिए, जो ओम का जाप है उसे करिए, ओम नमः शिवाय करिए, आपके कोई मंत्र हैं उसको करिए। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ने लगेगा और आप खुद की उस वाइब्रेशन में पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि अब आप कोई गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप उस लेवल पे पहुंच गए, अब आपको लग रहा है आप हाई वाइब्रेशन में, नॉर्मली आप हो नहीं पाते हैं, तो आप जो भी जाप करना चाहते हैं या ओम का जाप आप करिए, उसके बाद आप अपनी वॉइस में वो जाप शुरू कर दीजिए। आप उस वाइब्रेशन में किसी सहारे के द्वारा तो पहुंच गए, लेकिन अब आप अपनी एनर्जी को भी वहां ले जाना चाहते हैं एक्चुअल में, जो कि किसी सपोर्ट से नहीं होगी। शुरुआत में सपोर्ट थी, फिर आप अपनी एनर्जी को खुद बढ़ाइए, खुद बोल के जोर से जाप करिए। ओ जितना आपसे खींचता है उतना खींचिए, फिर देखिए आपका एनर्जी लेवल खुद ही उस लेवल को अचीव कर लेगा। क्योंकि आप हमेशा किसी गाइडेंस में मेडिटेशन करें, किसी सपोर्ट में मेडिटेशन करें, वो इतना अच्छा नहीं है। ज़रूरी है आपकी अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना। आपके अंदर स्वयं हृदय में आपके ईश्वर का वास है, वो स्वयं आपको रास्ता दिखाएगा, आप स्वयं सक्षम हैं हर चीज़ को करने के लिए। लेकिन आपका ऑरा इतना वीक हो गया है, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी टेंशन्स, आपकी स्ट्रेस आपको उस चीज़ से बाहर ही नहीं आने दे रही। आप सिर्फ उतनी देर ही उस चीज़ से बाहर आते हैं जब आप उस गाइडेंस में मेडिटेशन करते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने ऑरे को भी खुद बढ़ाया जाए, ताकि धीरे धीरे आपका खुद का ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस उस चीज़ को अचीव कर पाए खुद अपनी मेहनत से। हमेशा सपोर्ट लेना अच्छी बात नहीं है। जब आपकी वाइब्रेशंस उस लेवल को कैच करने लगेंगी ना, फिर धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स, टेंशन, सारी चीज़ें कम होने लग जाएंगी और आप खुद ही उस मेडिटेशन के उस स्तर पे आ जाएंगे और जीवन के भी, क्योंकि दृष्टिकोण बदल जाएगा, आप बदल जाएंगे, लोगों का रवैया बदल जाएगा आपके प्रति, सारी चीज़ें बदलने लग जाएंगी। मेडिटेशन करिए, जाप करिए, अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए और डायरेक्शन सही लीजिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ओम नमः शिवाय, घर घर महादेव।